तो कैसे हो मेरे भेजे मैं वाले भाई लोग। सो आज हम लोग खेलने वाले थे लिविक, और लिविक में हम लोगों को पता है कि कैसे मतलब बंदे आते हैं और कैसी तबाही भी मचती है इधर। तो उतरे थे हम लोग पावर प्लांट, और इसी उम्मीद पे कि ज़्यादा किल करेंगे और ज़्यादा बंदों को भी मारेंगे। लेकिन यहाँ पे होता है मेरे साथ उल्टा, तो देख लीजिए कि क्या होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस बंदे ने तो मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की, जैसे अंदर घुसा और इसने खेल दिया। तो कोई ना, एक और चांस मिलेगा और एक और चांस में हम लोग तबाही मचाएंगे। तो बस देरी थी तो रिकॉल करने की, जो कि मेरे टीममेट जाने वाला है। तो सीधा हम लोगों ने इस वीडियो को कट किया और सीधा रिकॉल होके सीधा जाएंगे फिर क्रैप ग्रास, जो कि उधर कुछ बंदे थे जो कि हरामी पंती कर रहे थे उधर, एक नंबर के साथ और दो नंबर के साथ, जो जाएंगे और उन लोगों को बचाएंगे हम लोग। सो पकड़ाएंगे हम लोगों को एक और बार, जो कि एक और घटिया यूनिटी गन, आई मीन यूजी गन। तो देखो इधर स्मोक देखा, सो पहले तो लगा कि स्मोक में बंदा होगा, फिर बाद में पता चला कि फुट स्टेप तो आ रहे लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड देखा तीन बंदे दौड़े घर से, तो एक बंदे को नॉक किया और दो बंदे सीधा गए घर में। तो थोड़ा सा आगे आया और मुझे लगा कि यहाँ से एंगल मिलेगा, तो जैसे इस बंदे को मारा तभी देखते हैं कि एक और टीम आ जाती है हम लोगों को थर्ड पार्टी करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे एक नंबर भाई बहुत ज़्यादा प्रो है, तो उन लोगों ने एक बंदे को नॉक किया और दूसरा बंदा भी आता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे हरामी पंती कर रहा जो कि लूट कर रहा अपनी पूरी। और इसी वक्त हमारे चार नंबर भैया भी नॉक हो जाते हैं जो कि रैंडम प्लेयर है, और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, रैंडम प्लेयर से मरे या फिर जिए। आई मीन मजाक कर रहा है, किसी भी बंदे को मतलब रिवाइव देने के चाहे भागना नहीं चाहिए। सो जैसे ही हम लोगों ने इधर स्क्वाड ख़त्म की तो थोड़ा सा लूट करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो लूट करने के बाद सहज ही मैं इधर की साइड आया तो मुझे लगा कि पावर प्लांट कुछ बंदे हो गए तो उसको मारेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे दो नंबर भाई तो बोलते हैं इधर बंदे। तो उधर की साइड में देखता हूँ, तभी देखता हूँ कि हमारे दो नंबर भाई नॉक हो जाते हैं और उस गन का साउंड तक नहीं आता। तो नॉक होते ही और तुरंत ही फिनिश होने में देरी तो लगती नहीं है, तो फिनिश हो गए और सीधा हम लोग देंगे उसको रिकॉल देने के बाद हम लोग बात लगाएंगे। और इधर मैंने हग दिया एक बंदे को स्प्रे लगाने में, तो कोई ना इसको पहले रिकॉल देते हैं फिर उधर जाएंगे क्लोजिंग करेंगे और मारेंगे बंदों को। तो रिकॉल देने के बाद सीधा आया इधर और इधर क्या देखता हूँ कि एक बंदे का साउंड आता है। तो जैसे इस बंदे को ख़त्म किया मैं सोचा उधर बंदे हैं लेकिन रिकॉल भी दे रहे होंगे, कुछ बॉट भी लड़ रहे थे, तो सोचा कि उधर जाएंगे और उन लोगों को मारेंगे। लेकिन इधर देखना कि क्या होता है, बीजेएमआई वालों ने क्या नशे कर रखे, देखना भी। ये लगाया स्प्रे, ठीक है, ऑटोमेटिकली जा रहा ऊपर, पता नहीं है कौन सी ग्लिच है जो ये लोग फिक्स नहीं कर रहे, या फिर मेरा स्क्रीन ख़राब हो गया पता नहीं चल रहा। तो रैंडम ग्रेनेड करेंगे पहले, तो फूटेगा या नहीं फूटेगा देख लो, अभी नशे देख रहे हो, अभी नशे मेरे या फिर गेम के पता नहीं चल रहा। अभी ऊपर जा रहा स्कोप, कोई ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी भी मुझे लग रहा था कि शेख के पीछे बंदा है, जो कि मैंने देखा था उधर जाते हुए बंदे को। तो जाते क्लोज इन करते और उधर पहले कंफर्म करते कि बंदा है या नहीं है, लेकिन सच बताऊँ तो उधर बंदा है ही नहीं, क्योंकि एक स्कूप पड़ा है उधर मैक्लेरन, तो उधर गया था बंदा। तो इधर एक और बार मैंने हग दिया इधर स्प्रे लगाने में, उधर बंदा उतर जाता, लेकिन यार मतलब क्या हो रहा है मेरा, मतलब इतना ज़्यादा किस्मत ख़राब मैंने देखा नहीं, इतनी ज़्यादा झंड किस्मत। तो मुझे तो लगा कि बंदे निकल गए, लेकिन इधर एक और साउंड आता है राइट साइड, सो इस बंदे ने तो कौन से नशे कर रखे वो पता नहीं चल रहा। अगर ऐसे नशे
मतलब मुझे भी पता चल जाए ना, तो मेरे टीममेट्स भी ऐसे नशे कर रखे हैं, लेकिन वो भी बताते नहीं कोई कौन से नशे करके ऐसा मतलब कैंप करते। तो जैसे इस बंदे को फिनिश करेंगे, पहले तो मुझे लगा कि ये बंदा फ्री का किल मिलेगा, चलो नॉक कर देते या फिर फिनिश करेंगे, दिखा नहीं, आई थिंक मुझे लगा कि नॉक बंदा है, तो मैं तो सोचा कि फ्री का किल मिल गया, लेकिन हमारे टीममेट्स ने ही नॉक किया हुआ था सालों ने। तो छोड़ो, तो ये पहला ग्रेनेड हम लोग फेंका लेकिन टूटा नहीं बंदा, और दूसरा ग्रेनेड जो कि एग्जैक्टली, और जैसे इस बंदे को नोक दिया मैं घुसा अंधा, और अंधा घुसने के कारण यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक और बंदे का शूट आया। तो पहले तो सोचा कि बंदा नोक क्यों नहीं हुआ, फिर सोचा कि छोड़ो आज किस्मत ही झंड है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है, तो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट पे ज़रूर कहना, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कई नेक्स्ट वीडियो में।